हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स फॉर मी। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे ब्रेन टीजर्स के ऑफ क्लास 8 चैप्टर नंबर 7 एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है टिक द करेक्ट ऑप्शन, जो सही ऑप्शन है उसको टिक करना है। ए नंबर में बोला गया द फैक्टर्स ऑफ 1 - 6z + 9z² आर। फैक्टर्स क्या होगा इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस इधर लिख सकते हैं 3z का होल स्क्वायर। फर्दर ये क्या हो जाएगा, बीच में हम लोग लिख सकते हैं -2 × 1 × 3z। अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 1 - 3z का होल स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पर कहीं भी नहीं है वो। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा चेंज कर देंगे, 3z का होल स्क्वायर को पहले लिख देंगे, -2 × 3z × 1 लिख देंगे और +1 का होल स्क्वायर लिख देंगे। तो आंसर हम लोगों का हो जाएगा 3z - 1 का होल स्क्वायर, 3z - 1 का होल स्क्वायर, विच ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3। अब इसको चेंज करने से कोई भी चेंजेस क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हम लोगों को पता है अगर -x का होल स्क्वायर हो उसका वैल्यू भी x² होता है, और x का होल स्क्वायर हो उसका भी वैल्यू x² होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग चेंज इंटरचेंज कर दिए हैं प्लेसेस को, 1 के जगह पर 3z लिख दिए हैं, 3z के जगह 1 लिख दिए, इसका मतलब हम लोग क्या किए हैं, माइनस से मल्टीप्लाई किए। तो ये रहे या ये रहे, वैल्यू क्या आएगा, मिडिल वन। सो आर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। नाउ नंबर बी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, इनमें से कौन सा एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है। तो ये लास्ट वाला फोर्थ नंबर a - b² = a² -2ab + b² होगा, बाकी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी नहीं है, बाकी गलत ऑप्शंस दिए हुए। सो आर राइट ऑप्शन विल बी फोर्थ वन। नाउ सी नंबर, फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ y² + 3y + y + 3 इज, तो फैक्टराइज करके देखते हैं हम लोग, y² इन दोनों में y हम लोग कॉमन ले लेते हैं, y कॉमन ले लिए, क्या बच गया, y प्लस 3 बच गया फर्स्ट में, और दूसरे में क्या बच गया, 1 छिपा हुआ इन दोनों में, 1 को कॉमन ले सकते हैं, 1 कॉमन ले लिए, क्या बचा, y + 3 अगेन। अब क्या करेंगे हम लोग, y + 3 को कॉमन ले लेंगे दोनों से, तो इस पूरे टर्म में y बच गया और इस पूरे टर्म में प्लस का 1 बचा। विच ऑप्शन, अभी भी नहीं मिल रहा है लेकिन मिल रहा है ये थर्ड वाला होगा, इसको इंटरचेंज करके भी हम लोग लिख सकते हैं y + 1 × y + 3, क्योंकि a × b = ab एंड b × a = ab होता है, इसलिए हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर डी में है फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ p² - 17p - 38 इज, तो फैक्टराइज कर देंगे इसको, कैसे कर सकते हैं, जिस तरह आपने वर्कशीट 7 में किया था, क्या करेंगे इसको, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, -17p है, -17p को लिखा जा सकता है -19p + 2p -38। ऐसा क्यों लिखेंगे, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट -19 और -2p का प्रोडक्ट 38p² के इक्वल हो रहा है, माइनस का 38p², दोनों में ऑपोजिट साइन है इसलिए प्रोडक्ट का साइन माइनस में होगा। फर्दर इसको हम लोग लिखेंगे, p को कॉमन ले लेंगे इन दोनों में, यहाँ p - 19 बच जाएगा, और इन दोनों में 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी p - 19 बच जाएगा। तो p - 19 को 1 टाइम लिखेंगे और p + 2 ये बच जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में इस तरह का हम लोगों को दिख रहा है, p - 19 और p + 2 फर्स्ट ऑप्शन में। सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द आंसर ऑफ डी नंबर। नाउ नंबर ई, अ साइड ऑफ स्क्वायर विथ एरिया 4x² + 12x + 9 square units इज, साइड निकालना है स्क्वायर का, तो हम लोगों को पता है साइड ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड ऑफ स्क्वायर होता है रूट अंडर एरिया। तो रूट अंडर एरिया में पुट कर देंगे इस वैल्यू को, क्या हो जाएगा, रूट अंडर 4x² + 12x + 9। अब इसको ब्रेक करके लिखा जा सकता है इस तरीके से कुछ, रूट अंडर इसको 2x का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, और इसको 3 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है 9 को, और मिड में लिखा जा सकता है 2 × 2x × 3। दैट मीन्स ये किस फॉर्म में आ गया, a + b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा रूट अंडर 2x + 3 का होल स्क्वायर, एंड दिस विल बी इक्वल टू 2x + 3
रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, काट के हम लोग नहीं लिखते हैं, सिंपली उसको हटा देते हैं। तो 2x प्लस 3 किस ऑप्शन में, 2x प्लस 3 ऑप्शन नंबर 3, एंड ऑप्शन नंबर 3 इज आंसर ऑफ ए नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 का बी में देखेंगे, बोला गया आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। ए नंबर में बोला गया फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी, सुटेबल आइडेंटिटी का यूज करके प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने नहीं लग जाना है टर्म्स को, जो आइडेंटिटीज आपने वर्कशीट्स में पढ़ा था उनका यूज करेंगे। तो देखते हैं इसमें क्या यूज होगा, a प्लस 3 इंटू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस 9, ये हम लोगों का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। तो इसको इसमें हम लोग यूज कर सकते हैं, इन दोनों में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का जो आइडेंटिटी होता है। तो यहाँ आइडेंटिटी नंबर थर्ड, तो क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसके जगह पर लिखा जा सकता है। तो ए स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद वाले टर्म को एज इट इज उतार देंगे, ए स्क्वायर प्लस 9 लिख देंगे। फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे फर्दर, यहाँ पर ए का स्क्वायर तो ए स्क्वायर हो गया, ये ब्रैकेट यहाँ पर दे सकते हैं, ए स्क्वायर का स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया, और माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया, और इधर आगे क्या हो गया, एज इट इज उतार देंगे ए स्क्वायर प्लस 9 को। अब फिर से हम लोग देख रहे हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, आगे पीछे सीक्वेंस रहे उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि a इंटू बी इज ए बी एंड b इंटू ए इज ऑल्सो ए बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में फिर से आ गया, तो क्या लिखा जा सकता है, a का स्क्वायर, a की जगह a स्क्वायर है, माइनस b स्क्वायर, b की जगह 9 है, तो क्या आ जाएगा हम लोग का, a टू द पावर 4 माइनस 81, एंड दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर ए। नाउ नंबर b, b में क्या बोला गया, इफ x स्क्वायर प्लस 1 by x square is equal to 6, find the value of x to the power 4 plus 1 by x to the power 4. तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले दोनों साइड्स को स्क्वायर कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, व्हाट वी विल गेट, दोनों साइड को स्क्वायर करने से क्या मिलेगा देखते हैं, x square plus 1 by x square, एक साइड में इसका होल स्क्वायर कर देंगे, दूसरे साइड में 6 है इसका स्क्वायर कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है कुछ इस तरीके से, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ए के जगह पर एक्स स्क्वायर है और बी के जगह पर 1 बाय एक्स स्क्वायर है, इज इक्वल टू 36। अब एक्स स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं, तो क्या बच जा रहा है यहाँ पर 2, जिसको नेक्स्ट स्टेप में राइट हैंड साइड में भेज देते हैं हम लोग। तो एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स टू द पावर 4 ये हो जाएगा, क्योंकि डेनोमिनेटर का स्क्वायर होगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, प्लस 2 इज इक्वल टू 36। सो एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स टू द पावर 4 will be equal to 36 minus 2 and 36 minus 2 is 34 and 34 is our answer of question number B. Now question number C में देखेंगे, बोला गया find the value of k if, k का value निकालना है अगर ये दिया हुआ है आप लोगों के पास। तो यहाँ पर expression किस form में है, xy square k is equal to 4xy plus 3y का whole square minus 4xy minus 3y का whole square। तो राइट हैंड साइड वाले को हम लोग देख सकते हैं कि ये पूरा टर्म को ए मान लिया जाए, इस पूरे टर्म को बी मान लिया जाए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले आइडेंटिटी के फॉर्म में है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इस पूरे को हम लोग ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में लिख देंगे कुछ इस तरह से, ये एक्स वाई स्क्वायर के एल एच एस में हो गया एज इट इज, आर एच एस में प्लस करके लिखेंगे 4xy प्लस 3y और प्लस 4xy माइनस 3y, ये प्लस में हो गया, और जब माइनस में लिखेंगे तो क्या होगा, 4xy प्लस 3y माइनस, माइनस जब करेंगे तो इन साइड के साइन चेंज होने चाहिए, नहीं तो आप एक स्टेप को बढ़ा दीजिए अगर आपसे मिस्टेक हो जाता है, तो ज़्यादातर बच्चे यहाँ यहीं पर मिस्टेक कर जाते हैं। तो माइनस करेंगे तो माइनस 4xy होगा, और ये माइनस 3y था वो प्लस 3y बन जाएगा। फर्दर जो कैंसिल हो रहा है उसको हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे, यहाँ पर देख सकते हैं हम लोगों का कैंसिल क्या हो रहा है, 3y और 3y यहाँ कैंसिल हो जा रहा है, और यहाँ पर 4xy और 4xy कैंसिल हो जा रहा है, दोनों अपोजिट साइन है, सेम वैल्यू है, तो क्या बच गया, xy स्क्वायर k बचा LHS में, और RHS में 4xy plus 4xy 8xy हो जाएगा,
इंटू 3y प्लस 3y 6y हो जाएगा। दैट मीन्स फर्दर इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स वाई स्क्वायर के, इसको तो लिखते जाना है एज इट इज, ये हो जाएगा 8 6 48 एक्स वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर भी देख सकते हैं एक्स वाई स्क्वायर है, यहाँ पर भी देख सकते हैं एक्स वाई स्क्वायर है, तो k को LHS में रहने देते हैं, RHS में एक्स वाई स्क्वायर को ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा, दोनों ही वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर को वन टाइम में कैंसिल किया, सो k का वैल्यू कितना आ गया हम लोग का 48 आ गया, एंड 48 इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सी। नाउ क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर डी में आप देख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 दिया हुआ है और ए बी का वैल्यू 4 दिया हुआ है। हम लोगों को वैल्यू फाइंड आउट करना है किसका, 3 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए माइनस बी के होल स्क्वायर का। तो इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, पुट कर देते हैं फॉर्मूलाज यहाँ पर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सिंपली जैसा लिखा हुआ वैसा ही आइडेंटिटी यूज करना है, आइडेंटिटी फर्स्ट एंड आइडेंटिटी सेकेंड। तो सॉल्व करते हैं इसको, क्या हो जाएगा इसका आंसर, 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, स्मॉल ब्रैकेट दे सकते हैं, माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फर्दर क्या लिखेंगे इसको हम लोग, फर्दर लिखेंगे 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू 9 है प्लस 2 इंटू ab का वैल्यू 4 है, माइनस 2 इंटू क्या लिखेंगे, फिर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू 9 है, माइनस 2 इंटू ab का वैल्यू कितना है 4 है, 4 पुट कर देंगे। वेरी इजी क्वेश्चन, आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 9 प्लस 8 माइनस 2 इंटू 9 माइनस 8, फर्दर 3 इंटू 9 8 17 हो गया, माइनस 2 इंटू 9 में 8 गया तो 1 बचा, 3 इंटू 17 51 हो जाएगा और माइनस 2 कितना हो जाएगा 51 माइनस 2 49 हो जाएगा, सो 49 इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर डी, वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ई में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर ई में बोला जा रहा है इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 12 एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 64, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यहाँ पर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया हुआ है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम लोग कहाँ से लाएंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, वो जो आइडेंटिटी आपने पढ़ा था ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन का स्क्वायर वाला, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, उसका यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे। तो कैसे यूज करेंगे, इस फर्स्ट वाले जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इक्वेशन जो दिया हुआ है, उसका स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 12 बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में स्क्वायर कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को, वी विल गेट ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा फर्दर, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है 2 को कॉमन लेके, क्योंकि 2ab 2bc 2ca ये फॉर्मूला में तीनों में ही 2 है इसलिए कॉमन लिया जा सकता है, और RHS में क्या हो जाएगा 144 हो जाएगा 12 का स्क्वायर। फर्दर हम लोग इसको क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का हम लोग को वैल्यू पता है कितना वैल्यू है 64 है, तो इस पूरे के जगह पर 64 वैल्यू पुट कर देंगे, 64 प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 144। अब हम लोगों को ये वैल्यू निकालना है, तो 64 को राइट हैंड साइड की तरफ ले जाते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 144 माइनस 64, सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ जाएगा 144 और 64 को 80 आ जाएगा, यानी कि इस वैल्यू को लिखते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू, ये दोनों सब्ट्रैक्ट होके 80 हो गया और 2 लेफ्ट हैंड साइड में था, राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड हो गया, अब कैंसिल हो जाएगा 2 से 80 कितने टाइम में कैंसिल होगा 40 टाइम में कैंसिल होगा, सो 40 इज द आंसर ऑफ
लास्ट नंबर क्वेश्चन ई नंबर क्वेश्चन ऑफ बी पार्ट. दैट्स ऑल. वी विल मीट अगेन इन सम अदर वीडियो. शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड कीप वॉचिंग.